खड़े रहो खड़े रहो खड़ा और बगल में जाओ बगल में Yeah.
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये मजद शेर खुदा है, यहाँ पर आली जनाब मौलाना मुकर्रर साहब ने मजलिस को ख़िताब किया था। बाद मजलिस ताबूत व आलम बरामद हुआ था। अंजुमन गुंचे तौहीदुल इस्लाम की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। मैं अपने कैमरामैन इम्तियाज़ हुसैन से कहूँगा कि वो ज़रा इस व्यू को दिखाएँ जहाँ पर आके मातम होना है। आज हमारे चैनल में बात करने के लिए हैं जनाब शब्बीर हुसैन साहब, उनसे आइए हम पूछते हैं ये आग का मातम कब से हो रहा है और यहाँ पे कब से ये सिलसिला जारी हुआ है। आग का मातम का सिलसिला 76 से शुरू हुआ, 1976 से आवाज तक कायम है ये और हमेशा कायम रहेगा जी। अस्सलामुअलैकुम। आग का मातम 1976 से चालू हुआ। मरहूम दूल्हा मामू थे, उनकी सरपरस्ती में आग का मातम चालू हुआ, जिसमें मोहम्मद सुहेब सब्बू साहब, जफ़र साहब, जरगाम हुसैन और मोहम्मद अहमद साहब और गांव के तमाम लोग उनके साथ आग का मातम चालू हुआ। पहली बार 10 मुहर्रम को हुआ, उसके बाद फिर डेट बदली, 8 तारीख को भी हुआ, उसके बाद 9 तारीख से फिक्स है। याली चैनल इंडिया के लिए कैमरामैन समर जैदी के साथ अंशु हुसैन लखनऊ से। नाज़रीन, मैं मोहम्मद सादिक रज़ा अली चैनल इंडिया से। जैसा कि आप जानते हैं, आज क़यामत की तारीख शबे आशूर है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरगदी बख्शी का तालाब लखनऊ में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अंजुमन गुंचे तहकीर इस्लाम मातम कर रही है, सीनाजनी कर रही है। आज ऐसी तारीख है जो बहुत ही क़यामत की तारीख है। अब आज पूरी दुनिया में फिज़ा में या हुसैन की सदा गूंज रही है और इस समय बरगदी बख्शी का तालाब लखनऊ में आग का मातम होने वाला है। बाद जुलूस आग का मातम होगा। ये आग का मातम इसलिए करते हैं क्योंकि जब बाद कत्ल शाह खैमे इमाम हुसैन में आग लगा दी गई थी तो शहजादियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे जा रही थी, वो नंगे पाँव आग पर चल के जा रही थी, तो उसी की मंजरकशी बाद जुलूस पेश की जाएगी। और मैं मोहम्मद सादिक रज़ा कैमरा मैन समर जैदी के साथ अली चैनल इंडिया से बख्शी का तालाब लखनऊ। Hadi 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 had
Come on!